हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्सला माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। जो लोग इस कंपनी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी। बट असल में इसको सेक्शन 8 कंपनी ही कहा जाता है। सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। आपको एक बात बताते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के बनने से पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। उस वक्त सेक्शन 8 कंपनी को पुराने एक्ट में सेक्शन 25 के नाम से जाना जाता था। सेक्शन 8 कंपनी के भारत में कई एग्जांपल्स हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, इंफोसिस फाउंडेशन एटसेट्रा। सबसे पहला जो सवाल लोगों के मन में उठता है कि ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है और इस कंपनी को बनाई क्यों जाती है, तो आपको बता दें, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है सोसाइटी का वेलफेयर करवाना, जैसे आर्ट्स, चैरिटी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट इत्यादि चीजों का इम्प्रूवमेंट हो सके, जिससे कि देश का भी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इस कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को इस कंपनी के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, यानी कि इस कंपनी के मेंबर को डिविडेंड नहीं दिया जाता। चलिए अब जानते हैं कि इस कंपनी के फीचर्स क्या क्या है। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी का। सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कैटेगरीज में रखा जाता है, लेकिन इस कंपनी के नाम के पीछे PVT या सिर्फ LTD नहीं लिखा जाता। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कंपनी और इसके मेंबर्स एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनकॉर्पोरेट सेक्शन 8 कंपनी। इस कंपनी को बनाने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब गवर्नमेंट को लगती है कि ये कंपनी सोसाइटी की वेलफेयर करेगी, तब गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू कर देती है, और जब इस लाइसेंस को हम ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट कर देते हैं, तब जाके एक सेक्शन 8 कंपनी बन पाती है। जैसा प्रोसीजर एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को खोलते वक्त करनी पड़ती है, वो सारे प्रोसीजर एक सेक्शन 8 कंपनी को भी करना पड़ता है। सिर्फ अंतर ये है कि सेक्शन 8 कंपनी को एक एडिशनल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जिस वजह से वो किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद पाती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की शेयर्स खरीद सकती है, यानी कि उसमें मेंबर बन सकती है। तो दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आर्टिकल। सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल में चेंजेस करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना होता है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लिए हुए सेक्शन 8 कंपनी का आर्टिकल अमेंड नहीं किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी को क्या क्या एग्जेम्पशन यानी छूट दिया गया है। पहला है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 14 डेज। अगर किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी होती है, तो शेयर होल्डर को नोटिस देना होता है। ये नोटिस कम से कम 21 दिन पहले देना होता है, लेकिन जब बात आती है सेक्शन 8 कंपनी की, तो इसमें 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। दूसरा है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों, जैसे कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती है, तो कंपनी को जनरल मीटिंग में SR पास करना होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कोई SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, SR को स्पेशल रेजोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे।
दोस्तों SR का मतलब आप जनरल मीटिंग में वोटिंग को समझ लीजिए। तीसरा फीचर है मिनिमम वन बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग 6 मंथ इन सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों बात करें बोर्ड मीटिंग की तो पब्लिक कंपनी में पूरे साल में मिनिमम 4 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में पूरे 6 महीने में मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग यानी कि पूरे साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग करने से काम चल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके एग्जेम्पशन क्या क्या थे। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए। आपके लाइक करने से हम लोगों का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।